जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो जैसा कि जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजी के एडमिशन्स हैं उनकी लगातार जो हर विषय की थर्ड फोर्थ जो काउंसलिंग की जो आपकी कट ऑफ आ रही है उसी कट ऑफ की आपकी लिस्ट में आज हम लोग जो है इस वीडियो में 22 अगस्त की काउंसलिंग को इसमें डिस्कस करेंगे। 22 अगस्त 2023 को जितने भी काउंसलिंग आज आपकी स्टार्ट होने वाली है उनकी, और बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग होगी जो कि आपकी 21 को है या फिर 19 को जो दी गई थी जिसकी की लास्ट डेट आज तक रही होगी मान लीजिए या इसके आगे से है, तो आज उन विषयों की हम काउंसलिंग की बात करेंगे जो आज 22 अगस्त से आज उनकी काउंसलिंग विषयों के स्टार्ट होगी। तकरीबन 8 से 9 ऐसे विषय हैं जिनके यहाँ पर लिस्ट कट ऑफ की दी गई है। तो चलिए साझा करते हैं आपके साथ कि वो कौन कौन से विषय हैं, कितने उनके कट ऑफ गए हैं, लास्ट डेट कब तक है काउंसलिंग करने की। लेकिन उसके पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बिल्कुल टू द पॉइंट ऑथेंटिक खबर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रेषित होगी। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर जैसा मैंने बताया तकरीबन देखिए 9 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी यहाँ पर आपको काउंसलिंग कराई जाएगी। ये विषय अगर आपके हैं तो आगे की वीडियो आप पूरी तरीके से अच्छे से देखिएगा। पहला विषय है आपका MSc मटेरियल साइंस। पहले मैं इतना क्लियर कर दूं कि ये जितने भी आपके विषय हैं जो भी विषय अभी मैंने आपको दिखाए इन सब की स्टार्टिंग डेट सेम है जो कि है आज, यानी कि 22 अगस्त है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। 22 अगस्त से शुरुआत होगा और बाकी का इनका जो लास्ट डेट है वो वेरी करेगा। पहला विषय आपका है मटेरियल साइंस के लिए 22 अगस्त 2023 से शुरू हो रहा है और इसके साथ ही जो है ये आपका कल तक यानी कि 23 अगस्त तक चलने वाला है। ठीक है, 23 अगस्त जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपना फॉर्म सबमिशन इसके साथ डाउनलोड अपलोडिंग सब करा लेनी है और 5 बजे से पहले आपको अपनी फ़ीस सबमिट कर देनी है। क्लियर है। इसके साथ ही अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 95 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है। अगर हम OBC की बात करते हैं तो 75 मार्क्स या फिर इसके ऊपर। SC के जितने कैंडिडेट्स अपीयर थे वो सभी लोग, ST में भी जितने लोग थे सभी लोग, AWS में भी 75 मार्क्स और इसके ऊपर, और जो WU कैंडिडेट्स हैं उन जितने लोग भी एंट्रेंस टेस्ट में अपीयरिंग थे बैठे थे वो सभी लोग का यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। सो ये आपका था MSc मटेरियल साइंस का। सेकेंड है आपका MWOG जो मीडिया स्टडीज़ का है। कल मतलब आज से आपकी डेट है और 24 अगस्त तक आपकी इसकी लास्ट डेट चलने वाली है। 24 अगस्त दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सब करा लेनी है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, और इसके साथ ही फ़ीस सबमिट करनी है आपको शाम 5 बजे तक 24 तारीख को। अनरिजर्व्ड का सिर्फ यहाँ कट ऑफ दिया गया है 100 अंक या फिर इसके ऊपर। MWOG मीडिया स्टडीज़ में सिर्फ और सिर्फ इस बार अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ शो की गई है जो कि है 100 या फिर इसके ऊपर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका है MDS डेवलपमेंटल स्टडीज़। 22 तारीख यानी कि आज से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 28 अगस्त तक इसकी काउंसलिंग चलेगी। ध्यान दीजिएगा जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, 2 बजे से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोडिंग रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करा करके शाम 5 बजे से पहले फ़ीस सबमिट करके अपनी सीट को पक्की कर लेनी है। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए गया है आपका 90 मार्क्स या फिर इसके ऊपर। OBC में 80 अंक या इसके ऊपर। SC के जितने कैंडिडेट्स अपीयर थे सभी लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट की MPA वोकल, तो MPA वोकल में MSc तो यहाँ पर 22 तारीख से स्टार्ट होगा और 26 अगस्त तक इसकी काउंसलिंग चलने वाली है आपके MPA वोकल की। अगर हम बात करें तो बाकी तो आपका जो टाइमिंग का है वो सेम रहने वाला है कि 2 बजे तक डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा करके शाम 5 बजे तक आपको फ़ीस सबमिशन करा लेना है। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका OBC के लिए 71.4 मार्क्स या फिर उसके ऊपर, SC के लिए 96 मार्क्स या इसके ऊपर है अगर आप जो है MPA वोकल में लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका MSc फूड टेक्नोलॉजी। MSc फूड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 22 तारीख से मतलब आज से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट है और 25 अगस्त तक इसकी काउंसलिंग चलने वाली है। टाइमिंग एज इट इज़ रहेगा जैसे बाकी का मैंने बताया। अनरिजर्व के लिए 82 मार्क्स या फिर इसके ऊपर। OBC के लिए यहाँ पर 68 मार्क्स या फिर इसके ऊपर। SC के जितने कैंडिडेट्स अपीयर थे एग्ज़ाम में वो सभी लोग, और ST में भी जितने लोग अपीयर थे, और EWS में भी जितने, और WU, ये चारों में WU हो, EWS हो, आपका ST है, SC है, इन सब में जितने लोग भी अपीयर थे सबका यहाँ पर MSc फूड टेक्नोलॉजी में आपका हो जाएगा। MA MSc ज्योग्राफी की बात करें तो 24 अगस्त तक आपकी इसकी काउंसलिंग की ये वाला है MSc जो MA MSc ज्योग्राफी का है। अगर हम बात करें
तो आपको दोपहर 2 बजे तक आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सब करा लेना है और शाम 5 बजे से पहले आपको फ़ीस यहाँ पर सबमिट कर लेनी है MA MSc ज्योग्राफी के लिए। अनरिजर्व्ड 146 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है यहाँ पर। OBC की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 127.3 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है। ST की बात करें तो 58 मार्क्स या इसके ऊपर है MA MSc ज्योग्राफी के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें MA मेडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री नॉन सब्जेक्ट के बच्चों की बात किया जा रहा है, मतलब जिसका विषय नहीं है लेकिन फिर भी वो इससे जो है PG करना चाहते हैं, तो 22 तारीख तक, मतलब आज से स्टार्ट है, कल तक आपकी इसकी डेट है। नॉन सब्जेक्ट में देखिए कट ऑफ कितनी गई है, तो ये आपका गई है अनरिजर्व्ड के लिए 176 मार्क्स या फिर इसके ऊपर, OBC के लिए 156 अंक या इसके ऊपर, और SC के लिए यहाँ पर 134 मार्क्स और इसके ऊपर, और ST के जितने कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट में थे वो सभी लोग, और EWS के लिए 170 अंक या फिर इसके ऊपर। ये नॉन सब्जेक्ट का मार्क्स है, इसको याद रखिएगा, उसका कट ऑफ है। नेक्स्ट है MA फिलोसफी की अगर हम बात करें तो 22 से शुरू हो रहा है और ये भी आपका 23 अगस्त तक चलने वाला है। बाकी क्राइटेरिया सेम है, 2 बजे और 5 बजे वाला। OBC की बात करें तो यहाँ पर 22.8 अंक जो या फिर इसके ऊपर है तब आप करा सकते हैं MA फिलोसफी में। SC में 24 अंक या इसके ऊपर, EWS में 36 मार्क्स और इसके ऊपर है। इसके अलावा अगर MA MSc स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो 22 से लेकर 25 अगस्त तक आपका ये चलने वाला है, यानी 25 तारीख तक इसकी डेट है। 2 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपलोडिंग करा लेनी है और 5 बजे से पहले फ़ीस को सबमिट करके अपनी सीट को पक्की कर लेनी है। अब देखते हैं कट ऑफ कितनी कितनी है। तो यहाँ अभी सिर्फ SC की कट ऑफ आई है जो कि बताई गई है 66 मार्क्स और इसके ऊपर। क्लियर है इतनी बात? इसके पहले वाले जो हमने कट ऑफ देखे थे जैसे MCA MSc कंप्यूटर साइंस, PG DCA, तो इन लोगों का हमने डिस्कस करा था जो कि आपका 22 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक ही लास्ट डेट था। तो आज इसका जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा इनका भी, और इसमें से देखिए कुछ का 23 तारीख तक है, कुछ का 21 तक है, तो ये सारी काउंसलिंग आपकी चलती रहेगी। लेकिन अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर जिनकी काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है, मतलब 22 अगस्त से, और उस काउंसलिंग में अगर आपका मेरिट लिस्ट में उतने कट ऑफ में आपके मार्क्स लाइक कर रहे हैं, तो जब तक आपकी लास्ट डेट यहाँ जो गिवन है, जब तक आपका लास्ट डेट नहीं आता है, उससे पहले आप अपना वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और फीस सबमिट करके अपनी सीट को पक्की कर लीजिए। अब समझिए तो ये लास्ट फेज ही चल रहा है आपके PG काउंसलिंग का। इसके बाद जल्दी से जल्दी आपकी UG की होगी, उसके बाद एडमिशन जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है तो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इसी वीडियो में बताना चाहती हूँ, क्योंकि अलग से होता है तो फिर आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रही हूँ, कि जैसे अगर आपने मान लीजिए कि आपका फ़ीस यहाँ पर सबमिट हो जाता है, ठीक है, आपने यहाँ पर फ़ीस सबमिट कर दी, आपका एडमिशन कार्ड भी डाउनलोड हो गया, उसके बाद ये नहीं कि आप एकदम स्थिर से बैठ जाएंगे कि अब तो मुझे कॉल आएगी, नहीं, आपको एक और काम करना है जो है फिज़िकल वेरीफिकेशन का, खुद का नहीं, डॉक्यूमेंट का, ठीक है, फिज़िकल वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपको यहाँ पर कराना है। जब आप वेरीफिकेशन के लिए आएंगे तो आप खुद आएंगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ, और हर एक डॉक्यूमेंट के साथ आपको कितनी फ़ोटोकॉपी लगानी है वो सब मैंने बताया हुआ है। कम से कम आपको मिनिमम आप 1 से 2 फ़ोटोकॉपी अपने हर एक डॉक्यूमेंट की लेके रखेंगे। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें कि आपको एक फ़ोटोकॉपी हर एक चीज़ों की, 10th 12th जब जो भी आपने किया ग्रेजुएशन जहाँ से भी है, तो उसको आपको उस डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में सबमिट करना है, इस प्रकार से प्रावधान है। तो वो फिज़िकल वेरीफिकेशन का भी नोटिस आता है, अपने से आपको नहीं कुछ भी करना है, इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो वो अपडेट आपको मिलती रहेगी। बहुत सारे विषयों की आ गई है अभी, बहुत सारे विषयों की जैसे जैसे सीट भरेगी वो आ जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। अदरवाइज़ ये जो आपका ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, इसको आप लोग भी रेगुलरली विजिट कर सकते हैं और करके अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से कैरी ऑन देख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? फिज़िकल वेरिफिकेशन के बाद ही आपको सारी चीज़ें कन्फर्म होगी, वहाँ से बताया जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।